अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट बुल्ले शाह बायोग्राफी एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज टू पोइम्स एंड काइंडली सब्सक्राइब टू अवर चैनल हु एवर विजिट दिस वीडियो. सो लेट मी टेल यू दैट हिज रियल नेम वॉज सैयद अब्दुल्ला शाह कादरी. रियल नेम उनका सैयद अब्दुल्ला शाह कादरी था और बुल्ले शाह के नाम से वो जाने जाते हैं. पंजाबी फिलोसोफर एंड सूफी पॉइट हैं वो. जब हम सर्च करें गूगल पे तो हमें उनके बारे में लिखा हुआ आएगा ही वॉज अ पंजाबी फिलोसोफर. सूफी पॉइट भी थे. सूफी पॉइट इस वजह से क्योंकि उन्हें उन्होंने सूफियाना पोइम्स लिखी थी, हम्द लिखते रहे हैं. हिज फर्स्ट स्पिरिचुअल टीचर वॉज शाह इनायत कादरी, अ सूफी मुर्शिद ऑफ लाहौर. अब जितने भी हमने देखे हैं सूफी पोइट्स और उनके कोई ना कोई लीडर होते हैं या उनके स्पिरिचुअल टीचर होते हैं या उनके मुर्शिद होते हैं. अब यहाँ पर इनके मुर्शिद कौन थे? सैयद इनायत कादरी. और ये हमें एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं अगर एमसीक्यूज आए तो पेपर में. शाह इनायत कादरी द फादर ऑफ पंजाबी इनलाइटनमेंट उनको बोला जाता है. ही वॉज मिस्टिक पोइट एंड इज यूनिवर्सली रिगार्डेड एज द फादर ऑफ पंजाबी इनलाइटनमेंट. पंजाबी इनलाइटनमेंट के फादर हैं वो. ही वॉज बोर्न इन 1680 इन उर्ज शरीफ. उर्ज शरीफ के नाम से एक जगह है, वहाँ पर ये पैदा हुए थे. एंड डाइड इन 1757 इन कसूर. कसूर लाहौर में. बुल्ले शाह लिव्ड आफ्टर द पश्तो सूफी पॉइंट एंड सेंट रहमान बाबा. रहमान बाबा जो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी, उनके बाद बुल्ले शाह का पीरियड आता है. एंड लिव्ड इन द सेम पीरियड एज सिंधी सूफी पॉइट शाह अब्दुल लतीफ भटाई. ये भी फेमस है. हिज लाइफ स्पैन ऑल्सो ओवरलैप विद द पंजाबी पॉइट वारिस शाह. वारिस शाह भी सही फेमस है. अब ये हमें यहाँ पर बात समझने वाली ये है कि इस इरा में अपना नाम रखना सच अ ग्रेट टास्क. इट वॉज ग्रेट अचीवमेंट टू प्रोड्यूस नेम इन दिस इरा जहाँ पर ये इतने फेमस लोग मौजूद थे. रहमान बाबा, अब्दुल लतीफ भटाई, वारिस शाह एंड मैनी अदर. सच्चे सरमस को देख लें. ही वॉज बरेड इन कसूर. अपने ही शहर में इनकी डेथ हुई और वहीं पर बरेड हुए. नाउ हेयर कम्स द पार्ट टू ऑफ द बायोग्राफी ऑफ बुल्ले शाह. द वर्स फॉर्म बुल्ले शाह प्राइमरीली इम्प्लॉयड इज द काफी. अब काफी क्या है? एक योनरा है, योनरा ऑफ पोइट्री. ये पॉपुलर इन पंजाबी है. स्टाइल ऑफ पोएट्री भी हम इसको कह सकते हैं और सिंधी में भी बहुत मशहूर है. और मैनी पीपल हैव पुट दिस काफीज टू म्यूजिक. और काफी लोगों ने इस काफी ये काफी जो है ये जॉनरा ऑफ पोएट्री, काफी लोगों ने इस काफी को यूज किया है म्यूजिक में. फ्रॉम हम्बल स्ट्रीट सिंगर टू रीनॉन्ड सूफी सिंगर. अब एक स्ट्रीट सिंगर भी यूज कर सकता है इसको. और जो रीनॉन्ड सूफी फेमस सूफी सिंगर्स थे लाइक नुसरत फतेह अली खान को देख लो, पठाने खान को देख लो, अब्दा परवीन को देख लो, इन सब ने काफी योनरा को चूज किया था. अब जो पिछली वाली स्लाइड में था उसमें एक और बात बताने वाली ये है कि उनकी ग्रेव के ऊपर एक दरगाह बनी हुई है. एंड ही वॉज डिक्लेयर्ड नॉन मुस्लिम बाय अ फ्यू मुल्ला ऑफ कसूर. उनको नॉन मुस्लिम करार दे दिया गया था कई मुल्ला के. मुल्ला ने उनको नॉन मुस्लिम करार दिया था कसूर में जो मुल्ला थे. एंड इट वॉज प्रोहिबिटेड टू ऑफर द फनरल प्रेयर ऑफ बुल्ले शाह. और उन्होंने मना कर दिया था कि इनकी नमाज जनाजा किसी ने भी नहीं पढ़ानी. और पूरे कसूर में ऐलान कर दिया कि कोई भी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएगा. उनकी नमाज जनाजा पर बैन कर दिया गया था कि कोई भी उनके नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएगा. लेकिन क्या हुआ कि हिज फनरल प्रेयर वॉज लेड बाय काजी हाफिज सईद जाहिद हमदानी ने पढ़ाई. अ ग्रेट रिलीजियस पर्सनैलिटी ऑफ कसूर. वो आगे आए और उन्होंने इनकी नमाज जनाजा पढ़ाई. कुछ लोग तो अच्छे भी होते हैं. हर दौर में कोई ना कोई या तो अच्छे लोग होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं. बिकॉज देयर वॉज अ क्लैश बिटवीन फंडामेंटलिस्ट एंड दीज सूफी पोइट्स. फंडामेंटलिस्ट कौन होते हैं? जो इन चीज़ों को नहीं मानते सूफी पोइट्स की. जिस तरह हमने पिछली वीडियो में बात डिस्कस की थी कि वो बोल रहे थे आई एम गॉड, आई एम अल्लाह. बट इट इज अनएबल, इट्स नॉट ईजी फॉर अस टू गेट दिस कॉन्सेप्ट. हम तो ये बात इतनी आसानी से तस्लीम नहीं करते. सो वी आर फंडामेंटलिस्ट. तो क्लैश तो हमेशा से ही रहता है फंडामेंटलिस्ट के दरमियान और सूफी पोइट्स के दरमियान. फंडामेंटलिस्ट डोंट कंसिडर दैम एज मुस्लिम. हम इनको मुसलमान करार ही नहीं देते अगर कोई इस तरह की बातें करते हैं. ये बात करते हैं कि जैसे आई एम गॉड, आई एम अल्लाह, आई एम ट्रूथ. सो दीज थिंग्स आर अनएक्सेप्टेबल फॉर मुल्ला बिरादरी. मुल्ला लोगों के लिए ये चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है. बुल्ले शाह पॉपुलैरिटी स्ट्रेचेज यूनिफॉर्मली अक्रॉस हिंदू सिख्स एंड मुस्लिम्स. अब उन्होंने अपनी जो पोएट्री लिखी उसको उससे कितने लोग इन्फ्लुएंस हुए? उससे हिंदू भी इन्फ्लुएंस हुए और सिख भी इन्फ्लुएंस हुए. और
Musliman we and Muslims to the point that much of the written material about this philosopher is from Hindu and Sikh authors. अब जो हमें मटेरियल मिलता है इनके बारे में हमें कहाँ से मिलता है, हिंदू हिंदू लोगों ने जो बुक्स वगैरह लिखी इनके ऊपर हमें वहाँ से मटेरियल मिलता है। पाकिस्तानियों ने या मुसलमानों ने इनके ऊपर इतना ज़्यादा नहीं लिखा तो इस वजह से हमें हिंदुओं से इनके बारे में ज़्यादा पता चलता है और सिखों से। बुल्ले शाह, अब यहाँ पर जो बी एस लिखा हुआ है इसका मतलब है कि बुल्ले शाह, बुल्ले शाह वॉज अ इवॉल्व्ड सोल, अ परफेक्ट फकीर एंड अ ट्रू लवर ऑफ हुम अल्लाह अलमाइटी, ही वॉज अ ट्रू लवर ऑफ अल्लाह अलमाइटी, थ्रू द लव ऑफ हिस मास्टर ही रियलाइज द लॉर्ड। अब मास्टर कौन थे इनके, शाह इनायत कादरी, उनकी वजह से उन्होंने ये रियलाइज किया। हिज लाइफ एंड राइटिंग्स आर रिप्लीट विद सटल सीक्रेट्स ऑफ पाथ, उनकी जो राइटिंग है वो कम्प्लीटली फिल्ड है जो रास्ते में आने वाले जितने भी सीक्रेट्स होंगे हमें अल्लाह ताला को फाइंड करने के लिए। दे नॉट ओनली स्ट्रेंथन द लव ऑफ ट्रू लवर बट ऑल्सो इनकरेजेज हिम टू अंडर गो द हार्डशिप्स फॉर रीचिंग द स्पिरिचुअल गोल्स। अब इनके जो लाइफ है और जो उनकी राइटिंग है, दीज टू थिंग्स स्ट्रेंथन द लव ऑफ अ ट्रू लवर। If we read his poetry and observe his life keenly, we come to know that his life and writing are filled with secret of path. और ये काम इतना आसान नहीं होता कि हम किसी को रास्ते बता दें कि इस रास्ते पर जाएंगे, then you going to find path of Allah Almighty. और इनके इन्होंने हमें दो कॉन्सेप्ट दिए थे, लव फॉर ह्यूमैनिटी एंड टेमनेस। लव फॉर ह्यूमैनिटी मीन इंसानियत के लिए मोहब्बत एंड टेमनेस मीन कंट्रोल, कंट्रोल ऑन अवर सेल्फ। कंसिडर्ड एज द ग्रेट मिस्टिक पोइट ऑफ पंजाब, पंजाब में लाहौर तो अब पंजाब के हिस्से में ही आता है तो इनको हम ग्रेट मिस्टिक पोइट मानते हैं। एंड हिज कंपोजिशन हैव बीन रिगार्डेड एज द पिनिकल, पिनिकल मीन पीक हाइट ऑफ सूफी लिटरेचर। अब इतने फेमस हैं कि इनके जितने भी वर्क थे उनको हम पिनिकल, पीक से पीक पर पहुंचे थे, हाइट पर पहुंची थी इनकी शोहरत। इन हिज पोएट्री ही प्रीचेज लव ह्यूमैनिटी एंड टॉलरेंस। इनकी इनकी पोएट्री में ज़्यादातर हमें क्या मिलता है, लव ह्यूमैनिटी एंड टॉलरेंस। ह्यूमैनिटी क्या, इंसानों का ख्याल रखना और इंसानों से अच्छे तरीके से बात करना। इट हाईलाइट्स द फिलोसफी ऑफ रीयूनियन विद गॉड, लाइक हाउ वी कैन यूनाइट विद गॉड। इन्होंने हमें यही तरीका बताया, हाउ कैन वी यूनाइट विद गॉड। ही क्रिटिसाइज द रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी ऑफ हिज डे। अब रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी कौन सी, जो मुल्ला बिरादरी वाली जो थी उनकी ऑर्थोडॉक्सी ये थी कि इनकी बातें आपने बिल्कुल माननी नहीं है, जो ये सब बातें करनी है। वंस यू आर डिक्लेयर्ड नॉन मुस्लिम एंड देयर वॉज मैनी ऑफ एग्रेशन विच ही वॉज फेसिंग। एक दफ़ा आप नॉन मुस्लिम डिक्लेयर हो जाएं फिर उसके बाद आपके लिए बहुत मुश्किल होता है अपने लिए फेम कमाना। एंड ही वॉज डिक्लेयर्ड नॉन मुस्लिम बाय मुल्ला बिरादरी, सो ही रिवोल्टेड अगेंस्ट द नो गो एरियाज ऑफ मुस्लिम मुल्ला। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी रिवोल्ट किया। एंड वी ऑल्सो नो दैट देर इज नो नीड टू प्रीच मुल्ला, वी शुड गो टू द पाथ ऑफ अल्लाह बाय अवर सेल्फ। एंड ही प्लीडेड टू रीच अल्लाह थ्रू लव ऑफ ह्यूमैनिटी एंड टेमनेस। ये बात मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, लव ऑफ ह्यूमैनिटी और टेमनेस। इन्होंने क्या बोला, इन दो चीज़ों से आप अल्लाह के रास्ते पर जा सकते हैं, खुद को डिसिप्लिन करके, कंट्रोल करके। बुल्ले शाह पोएट्री कैन प्रूव वेरी हेल्पफुल इन ब्रिंगिंग ट्रिमेंडस चेंज इन द वर्ल्ड ऑफ टुडे। अब उनकी पोएट्री अगर हम आज के ज़माने में पढ़ें तो काफ़ी चेंज ला सकती है हमारी लाइफ, वेयर पीपल हैबिचुअली मैग्नीफाई हेट्रेड और डिफरेंसेस बेस्ड ऑन द रेशियल प्रेजुडिसेस। अब हम अपने एरा में ही देख लें कि कितने प्रेजुडिस चलते हैं और डिफरेंसेस, लाइक वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट क्रिश्चियंस, नॉन मुस्लिम, हिंदू। हम तो ये एक्सेप्ट नहीं करते कि कोई क्रिश्चियन आ जाए हमारी कम्युनिटी में, या कोई नॉन मुस्लिम या हिंदू आ जाए कोई, वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट देम इन आवर एरा और इन आवर सोसाइटी। अ कॉमन थीम ऑफ हिज पोएट्री इज द परसूट ऑफ सेल्फ नॉलेज। सेल्फ नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको अपने बारे में पता है देन यू आर गोइंग टू फाइंड आउट गॉड। अगर आपको अपने बारे में पता है तो आपके लिए इजी हो जाएगा गॉड को फाइंड करना। और ये कॉमन थीम थी इनकी पोएट्री की, परसूट ऑफ सेल्फ नॉलेज, परसूट ऑफ सेल्फ नॉलेज, पीछा करना नॉलेज का, नॉलेज ही नॉलेज लेनी है एंड नथिंग एल्स। दैट इज एसेंशियल फॉर द मिस्टिक यूनियन विद बिलवड। बिलवड कौन, यहाँ पर गॉड, अल्लाह, गॉड। अगर हम अपने बारे में जानेंगे तो हमें ईजी होगा गॉड को भी पहचाना। विदाउट हिज लव बुल्ला इन लॉस कैन हार्डली ड्वेल हेयर और
अक्रॉस। अब ये जो दो लाइनें हैं ये कहाँ से ली गई हैं? ये इनकी पोइट्री से ली गई हैं। विदाउट हिज लव, विदाउट हुम ना, विदाउट अल्लाह अलमाइटी सा बुल्ले इन लॉस कैन हार्डली ड्वेल हेयर और अक्रॉस। अल्लाह ताला के सिवा यू कांट डू एनीथिंग विदाउट हिम, हम उनके सिवा कुछ कर ही नहीं सकते। बुल्ले शाह पोइट्री हाईलाइट्स द रीयूनियन, हाईलाइट्स द फिलोसफी ऑफ रीयूनियन विद गॉड। ही बिलीव्स दैट मैन, मैन कौन है? क्रिएशन, एंड गॉड इज द क्रिएटर। He believes that man and God are inseparable. हमें कोई separate कर ही नहीं सकता God से उसकी creation को। God is the creator and we human being are his creation. उनसे हम जुदा हो ही नहीं सकते। Nobody can separate us. Bulleh Shah preaches divine love and for delivering his message of love to the reader, he employs a genre of poetry called the काफी। अब ये बात हमने पहले भी कर चुके हैं कि काफी का जो genre है अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए ही यूज्ड द काफी यानरा। ओके, और ऊपर वाली बात मैं दोबारा डिस्कस कर देती हूँ कि हमें अल्लाह अलमाइटी से कोई भी सेपरेट नहीं कर सकता। कैसे हो सकता है कि हम अपने बनाने वाले से सेपरेट हो जाएं? नो वन कैन सेपरेट क्रिएटर एंड क्रिएशन। क्रिएटर और क्रिएशन को कोई सेपरेट नहीं कर सकता। सो हेयर इज अ बीकन ऑफ पीस टाइटल गिवन बाय मैनी ऑफ द स्कॉलर्स टू हिम। बीकन ऑफ पीस, बीकन ऑफ पीस का मतलब है, बीकन मीन्स फायर और लाइट एंड पीस मीन अमन और सुकून। ही वाज गिवन अ टाइटल ऑफ बीकन ऑफ पीस। बुल्ले शाह टाइम वाज मार्क विद स्ट्राइफ बिटवीन मुस्लिम्स एंड सिख्स। जब उनका टाइम था, बुल्ले शाह का टाइम था, जब तब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था किन के दरमियान? मुस्लिम और सिख के दरमियान, उन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। इन दैट बुल्ले शाह वॉज अ बीकन ऑफ होप एंड पीस फॉर द सिटीजन्स ऑफ पंजाब। उन्होंने क्या किया इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए? अपनी पोइट्री में बात की के कॉन्फ्लिक्ट क्या था असल में, कि एक वंस अ मुस्लिम वाज मर्डर्ड बाय अ सिख, मुस्लिम को मर्डर कर दिया था सिख ने। और बुल्ले शाह ने क्या बोला, बुल्ले शाह ने क्या बोला, वायलेंस वाज नॉट द आंसर टू वायलेंस। के वायलेंस ही वायलेंस का आंसर नहीं है, वायलेंस का जवाब हम वायलेंस से नहीं दे सकते, हमें आराम से सोच समझ कर इसका मसला ढूंढना चाहिए, ठीक है। बुल्ले शाह आल्सो हेल्ड द नाइन सिख गुरु एज अ रिलीजियस वॉरियर। उन्होंने अप्रिशिएट किया किसको? सिख गुरु को एज अ रिलीजियस वॉरियर। कॉज कंट्रोवर्सी अमंग मुस्लिम्स ऑफ दैट टाइम। और जब इन्होंने वॉरियर को डिक्लेयर किया तब भी कंट्रोवर्सी चल गई थी मुसलमानों के दरमियान। ह्यूमनिस्ट, अब इनकी पोइट्री में एक और जो एलिमेंट पाया जाता है वो ह्यूमनिस्ट एलिमेंट है। बुल्ले शाह राइटिंग रिप्रेजेंट्स हिम एज अ ह्यूमनिस्ट। ह्यूमनिस्ट मीन के इंसानों के लिए हमदर्दी रखना। ऑलवेज ट्राइंग टू फाइंड द सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड अराउंड हिम। जो भी सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स चल रहे थे उस दौर में, उन प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करना और उनका हल तलाश करना। एज ही लिव्स थ्रू इट, क्योंकि वो इन प्रॉब्लम से गुजर चुके थे। His poetry highlights his mystical spiritual voyage through the four stages of Sufism. अब four stages हैं इस mystical spiritual voyage through the four stages. उनकी poetry में ये four चीज़ें highlight होती हैं, शरीयत, पाथ, तरीकत, practice and हकीकत। हकीकत mean true, truth, we also know that. And मार्फत, मार्फत means union. Union with whom? Union with God, Almighty. एंड तरीकत का मतलब है ऑब्जर्वेंस, पेशेंस, प्रैक्टिस। द सिंप्लिसिटी विद विच बुल्ले शाह हैज बीन एबल टू एड्रेस द कॉम्प्लेक्स फंडामेंटल इश्यूज ऑफ लाइफ एंड ह्यूमैनिटी इज अ लार्ज पार्ट ऑफ हिज अपील। इट वाज द मेजर पॉइंट ऑफ हिज पोएट्री। बुल्ले शाह पोएट्री डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ लाइफ एंड एक्सप्रेस द सर्च ऑफ गॉड इन अ वेरी ब्यूटिफुल मैनर। अब उनके उन्होंने इतने खूबसूरत अंदाज में हमें बताया कि हाउ कैन वी सर्च गॉड, कि हम किस तरह से गॉड को सर्च कर सकते हैं, अल्लाह ताला को हम सर्च कर सकते हैं। बुल्ले शाह पोएट्री स्ट्राइक्स द रीडर बिकॉज ऑफ इज बोल्ड एंड एरोगेंट क्रिटिक ऑन द सेवरल टॉपिक्स। बोल्ड एंड एरोगेंट क्रिटिक, इतने टॉपिक्स होते हैं हमारे सोसाइटी में, उन्होंने उन पर बोल्ड और एरोगेंट क्रिटिसिज्म दिया। बुल्ले शाह पोएट्री प्रीचेस अ सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। उनके दौर में उनके सोसाइटी में ऐसे व्यूज थे कि वो क्रिटिसाइज करते हैं उन इश्यूज को एरोगेंटली। एरोगेंटली ही क्रिटिसाइजेस दीज इश्यूज विच क्रिएट्स कंट्रोवर्सी टू। जब हम क्रिटिसिज्म करेंगे तो उसमें कंट्रोवर्सी भी आएगी।
अब उनके उनके पोएम्स के एक्सट्रैक्ट हैं ये दो इन पंजाबी लैंग्वेज। चढ़दे सूरज बलदे वेखे, बुझदे दीवे जलदे वेखे, जिना दाना जगते कोई ओ भी पुत्र पलदे वेखे। अब उनके ज़्यादातर पोएट्री पंजाबी लैंग्वेज में होती थी और जो हमारे कोर्स में शामिल है वो भी पंजाबी में है, बट इट वॉज ट्रांसलेटेड बाई सम ट्रांसलेटर्स। एंड द मीनिंग ऑफ दिस कपलेट इज द कपलेट शोज द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बाबा बुल्ले शाह इन अ सूफी वे दैट नथिंग लास्ट फॉर एवर, नथिंग इज परमानेंट इन दिस लाइफ, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, एवरी थिंग इज टेम्परेरी। इफ यू आर फेसिंग मिसफॉर्चून्स एंड प्रॉब्लम्स एट द प्रेजेंट मोमेंट, अगर प्रेजेंट मोमेंट में कोई मिसफॉर्चून्स है या प्रॉब्लम्स आपको नजर आ रही है, यू हैव नो आइडिया दैट गॉड विल ब्लेस यू इन द वेरी नेक्स्ट मोमेंट। एक लम्हे में हमें इतनी ज्यादा मिसफॉर्चून्स से फेस करना पड़ता है, बट ऑन द वेरी नेक्स्ट मोमेंट वी आर ब्लेस्ड विद द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह माइटी, एंड यू विल कंसिडर योर सेल्फ अ लकी मैन। ही इज इनफ फॉर ईच एंड एवरी ह्यूमन बींग, एंड ही इज टॉकिंग अबाउट हियर अल्लाह माइटी इन द वर्ल्ड। दिस एस्पेक्ट ऑफ बुल्ले शाह इज शोन इन मैनी ऑफ हिज पोएटिक कलाम, और इनकी यही थीम होती थी और यही इसी चीज को वो प्रीच करते थे। एंड द नेक्स्ट इज एक्सट्रैक्ट इज दुख दर्द सी मेरे मुकदरा वेच, मैं शिकवा करके की करदा, ओ चांदे वारी पलटिया नहीं, मैं हाथ हिला के की करदा। एंड नाउ इट इज द नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज एनी अदर पोइम, एंड ही सेज दैट द लव एंड अफेक्शन एस्पेक्ट्स shown in this couplet expresses that he wrote romantic poetry in a very decent manner. Unka jo manner tha poetry likhne ka wo decent tha. His poetry is significant and one can never be bored of it. Aur unki poetry aisi thi ki agar hum padhe bhi to hum bore nahi hote. Let's start from his poem now which is included in our syllabus. The first poem is This Love O Bulle Tormenting Unique. And tormenting means torturing, painful. He says that this love is torturing and this love is painful. And painful in a unique way. This love, oh bulle, tormenting unique. The face of the idol akin to the divine in heaven. Can there be divinity without my beloved? Even if I have to contest the scriptures. This love is fearless, marches to death in defiance. Dances and whirls like a street prostitute. To in a single smile from the beloved. अब ये हम पढ़ के हमें पढ़ते हुए ही साथ ही समझ आ रही है कि सिंपल लैंग्वेज और सिंपल लैंग्वेज हमें समझ आ रही है कि किसके बारे में बात हो रही है। ही इज टॉकिंग अबाउट हिज बिलविड एंड ही सेज दैट हिज फेस इज सिमिलर आइडल एकिन मीन आइडल इज हिज बिलविड एंड एकिन मीन सिमिलर हिज फेस इज हिज बिलविड फेस इज सिमिलर टू द डिवाइन इन हेवन। डिवाइन मीन गॉड एंड गॉडेसेस। The poet addresses to himself that Bulle, this love is sometimes torturous and tormenting. Tormenting and torturous. It is not an easy path. कोई आसान तरीका नहीं है। This path is full of hurdles, thorns, कांटों से भरा हुआ है and love has to bear all this. सब चीजें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। Love has no choice. Once you fall in love, You have to face all these things wholeheartedly and happily. खुशी खुशी से कबूल करना होता है। The poet says that face of his beloved has a great similarity to the gods and goddesses of heaven. जो heaven की gods और goddesses हैं, हूर, जिस तरह हम इस्लाम में बोलते हैं हूर, जन्नत की हूरें। He says that his beloved face is similar to the hoor of Jannah. There is no divinity, spirituality without his beloved. अब वो यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कैन देयर बी डिविनिटी विदाउट माय बिलविड, कि अगर मेरे पास बिलविड ही नहीं है तो मैं स्पिरिचुअलिटी पर कैसे पहुंच सकता हूँ, डिविनिटी पर। जब तक मेरे पास मेरी बिलविड नहीं होगा तो मैं डिविनिटी पर नहीं पहुंच सकूंगा। बिकॉज द वर्ल्डली लव इज द फर्स्ट स्टेप टू रीच द गॉड्स लव। इवन इफ आई हैव टू कंटेस्ट द स्क्रिप्चर्स, My beloved, or we can say his beloved, is so fearless. This love is so fearless. He is talking about his own beloved. That his love is so fearless, marches to death in defiance. That you can compare her bravery with incidents of bravery written in holy books. के वो कह रहा है कि अगर हम books पढ़े bravery की जो हम books पढ़े, इस्लामी books पढ़े, holy books पढ़े, जितने भी हम books पढ़े, उनमें अगर हम ब्रेवरी की मिसालें देखें तो वो कंपेयर कर रहा है कि मेरी जो बिलविड है या मेरे जो बिलविड हैं
उनकी ब्रेवरी से कंपेयर कर रहे हैं कि वो भी काफी ब्रेव है उनसे. इज फियरलेस. माई बिलवड एक्सेप्ट डेथ फियरलेसली विदाउट शोइंग एनी रेजिस्टेंस. कोई खतरा, कोई खौफ नहीं होता, कोई शो ऑफ नहीं करता मेरे बिलवड के डेथ हो जाएगी लव से या कुछ भी. नो, ही इज फियरलेस. पोइट सेज दैट व्हेन ही रीड मैनी इंसिडेंट्स ऑफ ब्रेवरी इन हॉलीवुड्स, देन ही रियलाइज दैट हिज बिलवड इज मोर फियरलेस देन दोज पीपल. मोर फियरलेस. एंड इन द लास्ट टू लाइन्स ही सेज दैट डांसेज एंड वर्ड्स लाइक अ स्ट्रीट प्रोस्टिट्यूट टू विन अ सिंगल स्माइल फ्रॉम द बिलवड. द पोएट सेज दैट ही डांसेज मूव्स वर्ड्स लाइक अ स्ट्रीट प्रोस्टिट्यूट. वो कहता है कि मैं स्ट्रीट प्रोस्टिट्यूट की तरह गलियों में डांस करता हूँ, मूव करता हूँ, वर्ल करता हूँ. प्रोस्टिट्यूट इज समवन हु सेल हिज बॉडी और हर बॉडी फॉर द सेक ऑफ मनी. एंड ही सेज दैट आई डांस इन अ स्ट्रीट टू विन अ सिंगल स्माइल फ्रॉम हिज बिलवड. मीन्स वो डू एनी डिग्रेडिंग थिंग्स टू प्लीज हिज बिलवड. कोई भी मीन काम कर लेगा, कोई भी लो काम कर लेगा अपने बिलवड की स्माइल को जीतने के लिए, के अपना के ये काम दे के उन बिलवड स्माइल कर जाए. बस सिर्फ एक स्माइल की खातिर ही वॉन्ट्स टू डांस इन अ स्ट्रीट लाइक अ स्ट्रीट प्रोस्टिट्यूट. I hope that you understood this poem. Now the second poem is he who is stricken by love. And stricken means seriously affected. Seriously affected by love. He who is seriously affected by love. He who is stricken by love sings and dances out of tune. अब आउट ऑफ ट्यून का यहाँ क्या मतलब है? म्यूजिक जो कि मैच ना कर रहा हो, के जो भी लव से इफेक्ट है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि जब डांस कर रहा हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि म्यूजिक ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा. हिज ओनली पर्पस इज टू डांस नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक इज प्लेइंग बैक बिहाइंड हिम. एंड आई वांट टू गिव यू अ क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ दीज टू लाइन्स बिकॉज दीज टू लाइन्स आर अपियरिंग अगेन एंड अगेन. ओके, सो ही वॉन्ट्स टू से दैट a person who is seriously affected by love or in love or who is deeply in love sings or dances without bothering whether the correct music is played or not. ke piche sahi music chal raha hai ya nahi chal raha. he has no concern with the beat and sound. usse koi fark hi nahi padta ke beat kaisi chal rahi hai, sound kaisi chal rahi hai drum ki. he is so happy. wo itna khush hai, intoxicated in love that he is least concerned with the music being played. ke jo bhi music ise piche chal raha hai usse koi fark nahi padta. nahi, i am seriously affected by love. that's why i don't care what kind of music is playing behind him, behind me. he who wears the garb of love gets blessing from above. अब इस लाइन का क्या मतलब है? He says that for such people, love becomes an important part of their lives as clothes are essential part of their life. कि जिस तरह से कपड़े हमारे जिस्म पर जरूरी होते हैं पहनने के लिए, similarly like that, love is important for human body. Or we can say that love is important for human to live. Love and food are the same thing according to Bullesha. Like we can't live without food. Similarly, we can't live without love. Love नहीं होगा, we can't exist. The people who are strictly affected by love, they make their dress love. Love को ही अपना लिबास बना लेते हैं. And for these people, God is love. These people get blessings from God. और अल्लाह ताला से उनको blessing मिल रही होती है. Because God is love. He likes to be loved and He loves those who are in love. और जो भी लव में होते हैं, जो भी लव से सफर कर रहे होते हैं, जो भी लव में होते हैं, he loves them. And in the next line, soon as he drinks from his cup, no question and no answers remain. अब drinks from his cup का मतलब क्या है? If you have decided to take any action for the sake of your beloved, अगर आपने decide कर ही लिया है कि that you are going to do this thing, तो कोई इफ और बट नहीं रह जाता, कोई क्वेश्चन नहीं रहता कि अगर मगर ऐसा वैसा. नो, दीज थिंग्स डज नॉट मैटर व्हेन यू आर इन लव और व्हेन यू वांट टू डू एनीथिंग फॉर योर बिलवड. ही हु इज स्ट्रिकन बाय लव सिंग्स एंड डांसेस आउट ऑफ ट्यून. अब दोबारा से यही बात हो रही है, सेकेंड टाइम ही इज टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग. एंड आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस थिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वेरी टू लाइन्स ऑफ द पोएम. He who has beloved in his heart, he is fulfilled with his love.
अब यहां से हमें पता चलता है कि ही इज टॉकिंग अबाउट, ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट वर्ल्डली लव, ही इज टॉकिंग अबाउट द लव ऑफ गॉड, बिकॉज ही हु हैज द बिलवड इन हिज हार्ट, ही इज फुलफिल्ड विद हिज लव एंड ही स्टैंड फॉर लव ऑफ अल्लाह अलमाइटी. ही सेज दैट ही हु हैज बिलवड इन हिज हार्ट मीन्स गॉड इन हिज हार्ट, जिनके दिल में अल्लाह ताला होते हैं, देन ही डज नॉट नीड एनीथिंग एल्स, उन्हें और किसी चीज की जरूरत ही नहीं होती. He does not need to follow the rules of the world. उन्हें जरूरत नहीं होती कि हमने इस दुनिया के रूल्स को फॉलो करना है नहीं करना. His only wish is to enjoy the joy which his beloved is giving him. जो beloved उसको joy दे रहा है, he just want to enjoy this joy which his beloved is giving him. He is least concerned with the world around him. जो भी world है उसके सामने, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो दुनिया क्या कर रही है, दुनिया में बाकी लोग क्या कर रहे हैं. ही इज जस्ट कंसर्न अबाउट हिम एंड हिज लव एंड हिज बिलवड. नो नीड ही हैज फॉर फॉर्मेलिटी. ही जस्ट इंजॉयज हिज एक्सटेसी. एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड हिज लाइन दैट ही ओनली इंजॉयज द जॉयज विच आर गिवन टू हिम बाय हिज बिलवड. ही हु इज स्ट्रिकन बाय लव सिंग्स एंड डांसेस आउट ऑफ ट्यून. नाउ द सेम थिंग इज बींग डिस्कस्ड हियर इन दिस पोएम. इट इज द थर्ड टाइम दैट ही हैज रिटन दीज टू लाइन्स. His ego is seriously affected by dances or the drum beat without giving attention to the beats or the beats matches with his dance steps or not. उसे फर्क नहीं पड़ता कि जो भी वो डांस कर रहा है कि उसकी बीट मैच कर रही है जो ड्रम की बीट थी उसके साथ. नो, इट डज नॉट मैटर फॉर हिम. कम टू द लास्ट पॉइंट नाउ. नॉट अ बिलीवर. इट्स अ वेरी फेमस पोएम एंड इन दिस वी कैन ऑल्सो से दैट इट्स अ हम, इट्स अ काइंड ऑफ अ हम. और इसकी उर्दू ट्रांसलेशन क्या है, की जाना मैं कौन. एंड देर इज अ बैंड, जुनून बैंड आई थिंक सो, एंड दे हैव सन अ सॉन्ग अबाउट दिस. और आई वुड सजेस्ट यू टू लिसन दिस सॉन्ग, देन यू विल हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट दिस पोइम ऑफ बुल्ले शाह. नॉट अ बिलीवर इन द मोस्क एम आई, नॉर अ डिसबिलीवर विद हिज राइट्स एम आई. अब यहाँ पर पोइट की कन्फ्यूजन बता रही, हमें पता चल रही है पोइट की कन्फ्यूजन दैट He says that I am not a believer in the mosque. मैं यकीन नहीं रखता मस्जिद के ऊपर. मस्जिद में क्या, मस्जिद पर मैं यकीन नहीं रखता. Not a disbeliever with his rites am I. और जो मस्जिद में नमाज वगैरह पढ़ी जाती है मैं उस पर डिसबिलीव नहीं करता. मैं ये नहीं मानता, मैं मस्जिद पर यकीन नहीं रखता, लेकिन जो उसके अंदर हो रहा होता है मैं उस पर भी डिसबिलीव नहीं करता. There is a confusion in these two lines. He says that जो वहां पर नमाज अदा की जा रही है मैं उसका डिसबिलीवर नहीं हूँ. द पॉइंट सेज दैट ही इज नॉट अ बिलीवर इन मॉस्क एंड नॉर अ डिसबिलीवर ऑफ द प्रेयर्स ऑफर्ड देयर. जो वहां पर नमाज पढ़ाई जा रही होती है उसका डिसबिलीवर तो ये बिल्कुल भी नहीं है. आई एम नॉट अ प्योर अमंग अस द इम्प्योर. आई एम नीदर मोसेस नॉर फेरो. बुल्ले आई नो नॉट हु एम आई. अब इनको भी नहीं पता कि ये कौन है. अब ये हमें क्या बोल रहे हैं, मोसेस का मतलब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम. हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रुथ सच्चाई और गुडनेस को रिप्रेजेंट करते हैं. और फेरो किसको रिप्रेजेंट करता है, फिरौन को. फिरौन कहते हैं फेरो. फेरो को इंग्लिश में, फेरो को उर्दू में फिरौन कहते हैं. और इसका मतलब कि ये रिप्रेजेंट करता है ईवल और बैड को. और बुल्ले शाह क्या कह रहे हैं, मैं ना ही मूसा मैं ना फिरौन. एंड ही एड्रेसेस हिमसेल्फ दैट ही डज नॉट नो दैट हु ही इज. हु एम आई, मैं कौन हूं. He does not know that. Nor in the holy books am I, nor do I dwell in the bhang or wine, nor do I live in drunken haze, nor I sleep or walking known. Bulle, I know not who I am. And now he says that he is failed to find himself in holy books. होली बुक्स का मतलब ये नहीं कि, होली बुक्स का ये मतलब नहीं कि सिर्फ होली कुरान ही. देर आर मैनी अदर होली बुक्स अदर देन होली कुरान. कुरान मजीद के अलावा भी और होली बुक्स होती हैं, अदर बुक्स टू. अनएबल टू गेट रिलीफ इन वाइन. वो कहते हैं कि मुझे सुकून नहीं आ रहा ना ही भंग पीने में ना ही वाइन पीने में. आई फेल टू फाइंड पीस इन ड्रिंकिंग. जो मैं ड्रिंक करता हूँ मुझे उसमें भी सुकून नहीं मिलता. He tried these things but unable to get comfort from these intoxicated things. अब उसने ये चीजें try की हैं. He has tried holy books, he has tried bhang, he has tried wine, और इसने drink भी start की है. But he says that he is not able to find peace in all these things. उसे in intoxicated things में कोई सुकून नहीं मिल रहा. Neither get comfort in sleeping or in waking. ना उसे
सोने में सुकून है और ना ही उसे जागने में। ही इज कंफ्यूज एंड डिस्टर्ब बिकॉज ही डोंट नो हु ही इज, और ही सेज दैट यू कैन नॉट फाइंड रिलीफ इफ यू आर अनएबल टू फाइंड योर सेल्फ। अगर आप अपनी आइडेंटिटी को नहीं पहचान सकते देन यू आर नॉट एबल टू फाइंड पीस, आप रिलीफ ही नहीं फाइंड कर सकते। एंड नाउ ही पुट्स अ क्वेश्चन देयर, नॉट इन हैप्पीनेस और इन सोरो एम आई फाउंड, ना ही मैं खुशी में मैं अपनी खुशी तलाश कर सकता हूँ और ना ही गम में। आई एम नीदर प्योर नॉर मर्ड इन फिल्दी ग्राउंड। वो कहता है कि मैं मिट्टी में गिरा तो हूँ लेकिन मैं मिट्टी से भरा हुआ नहीं हूँ। आई एम नॉट फिल्दी, फिल्दी ग्राउंड में तो गिरा हूँ बट आई एम नॉट फिल्दी, नॉट ऑफ वाटर नॉर ऑफ लैंड, नॉर एम आई इन एयर और फायर टू बी बाउंड, बुल्ले आई नो नॉट हु आई एम। ही सेज दैट वेयर कैन आई फाइंड माई इनर सेल्फ, आई एम फेल टू फाइंड इट इन हैप्पीनेस और इन सोरो, ना मैं अपनी सेल्फ को हैप्पीनेस में तलाश कर सकता हूँ और ना ही गम में। आई एम नीदर प्योर, ना ही मैं प्योर हूँ और ना ही मैंने इतने ज़्यादा सिंस कमिट किए हैं, ना मैंने इतने ज़्यादा गुनाह किए हैं इन माई लाइफ, बट आई एम नॉट मडी, मैं इम्प्योर नहीं हूँ। आई ट्राई टू फाइंड माई सेल्फ, मैं अपने आप को तलाश करना चाहता हूँ। वो कहते हैं मैं अपने आप को किधर तलाश करना चाहता हूँ, मैं अपने आप को पानी में और लैंड में तलाश करना चाहता हूँ लेकिन मेरी सर्च तो कंटिन्यू है बट आई एम फेल, मैं फेल ही हुआ हूँ हमेशा। नो वेयर नॉर इन एयर और इन फायर, मैं कहीं भी नहीं हूँ। He says that I don't know who I am, मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। Nor an Arab nor Lahori. Now we know that he belongs to Lahore, तो वो लाहौर की ही बात करेगा। He is asking question that who is he actually? वो हमसे पूछ रहा है या Almighty से कह रहा है, वो पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ। मैं अरब भी नहीं हूँ, मैं लाहौरी भी नहीं हूँ, मैं ना ही हिंदी हूँ, मैं ना ही नागोरी हूँ, मैं ना ही मुस्लिम हूँ और ना ही पेशावरी हूँ, ना ही बुद्धिस्ट हूँ, नॉट अ क्रिश्चियन, बुल्ले हूँ। आई नो नॉट हु आई एम। इस स्टैंजा की आपको तो समझ आ ही गई होगी बिकॉज इट इज मच सिंपल एंड आई डोंट थिंक सो देर इज नीड ऑफ एनी एक्सप्लेनेशन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टैंजा। Secrets of religion have I not unraveled? I am not of Eve and Adam. He says that I am unable to solve the secrets of religion. के जितने भी religion के secrets हैं उनको मैं solve ही नहीं कर सका, मुझे उनके बारे में पता ही नहीं है। मैं ना ही Eve हूँ और ना ही Adam हूँ। Neither still nor moving on. ना ही मैं एक जगह पे ठहरा हुआ हूँ और ना ही मैं जा रहा हूँ कहीं पर। माई मूवमेंट इज नॉट अंडर माई कंट्रोल। मेरी मूवमेंट मेरे कंट्रोल में है ही नहीं। मैं पता नहीं किस फोर्स की वजह से मूव कर रहा हूँ, अगर मैं मूव कर भी रहा हूँ। आई हैव नॉट चूजन माई ओन नेम। और ये कह रहा है कि कितनी बड़ी बात है कि मैंने अपना नाम भी खुद चूज नहीं किया, मेरा नाम तो पहले से रखा हुआ है। ही वॉन्ट्स टू से दैट ही डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ अथॉरिटी रिलेटेड टू हिम। बुल्ले आई नो नॉट हु आई एम। फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट आई सर्च माई सेल्फ। शुरू से लेकर अब तक मैं सर्च ही कर रहा हूँ कि मेरी जात क्या है। None other did I succeed in knowing, और मैं कहीं भी सक्सेसफुल नहीं रहा। Not some great thinker am I, मैं ना ही इतना बड़ा ग्रेट थिंकर हूँ। Who is standing in my shoes alone? अब यहाँ पर एक idiom यूज हुआ है, बुल्ले शाह ने तो असल में यूज नहीं किया बट द ट्रांसलेटर who was translating this poem, he has used himself. इसका मतलब यह है कि अगर हम किसी की सिचुएशन को समझना चाहते हैं तो हमें उसकी सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा, देन वी आर एबल टू अंडरस्टैंड इन वॉट कंडीशन ही इज सफरिंग फ्रॉम। ठीक है, बुल्ले आई नो नॉट हु आई एम। दिस इज द एंड ऑफ दिस पोइम एंड आई होप दैट यू अंडरस्टूड इज वेरी वेल। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।